विदिशा शहर के बीचों बीच स्थित लोहांगी पहाड़ी एक ऐतिहासिक स्थल है। ये रेलवे स्टेशन से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगर आप लोग रेलवे स्टेशन से आ रहे हैं तो आप अगर चाहें तो पैदल भी आ सकते हैं। लोहांगी पहाड़ी लगभग 0.5 किलोमीटर एरिया में फैली हुई है। यहाँ पर गुरु पूर्णिमा के दिन मेला भी भराता है। लोहांगी पहाड़ी पर शीतला माता मंदिर, शिव मंदिर के अलावा बाबा साहब की मजार भी है। लोहांगी का ऐतिहासिक इतिहास भी काफ़ी पुराना है। कहा जाता है कि यहाँ पर महाभारत काल में अश्वमेघ यज्ञ के दौरान घोड़े को इस क्षेत्र के राजा ने पकड़ लिया था, जिसे छुड़ाने के लिए स्वयं श्री कृष्ण भगवान, भीम और पांडव पुत्र आए थे और उन्होंने इस क्षेत्र के राजा को परास्त कर घोड़े को छुड़ाया था। इस तरीके से लोहांगी का काफ़ी पुराना इतिहास भी है। 170 फीट ऊंचाई पर लोहांगी पहाड़ी से विदिशा का नज़ारा देखते ही बनता है। काफ़ी सुंदर नज़ारा दिखाई देता है यहाँ से, विदिशा का पूरा विदिशा दिखाई देता है लोहांगी पहाड़ी से। ये देखिए कितना सुंदर नज़ारा दिखाई दे रहा है। तो आप लोग भी ज़रूर आइएगा, अगर आप लोग विदिशा के या विदिशा के आसपास के हैं तो लोहांगी घूमने ज़रूर आइएगा, और नहीं तो मैं तो घुमा ही रही हूँ। आप देखिए, वीडियो में बने रहिए और लोहांगी देखिए कितनी सुंदर दिखती है। तो चलिए वीडियो में कंटिन्यू करती हूँ। यहाँ पर ये बाबा की मजार है। इसी मजार के जस्ट सामने शिव जी का मंदिर है। चलिए मैं शिव जी के मंदिर के भी दर्शन कराती हूँ। ये दिलदान टाइप से कुछ, अभी बंद हो गई है क्योंकि हम लोग लेट आए हैं तो मजार बंद हो गई है। इसी के सामने ये मंदिर है शिव जी का। ये मंदिर देखिए गुफा के अंदर जाके है। ये दीवार पर गणेश जी की मूर्ति है। इसके बाद हम इसके अंदर चलते हैं, अंधेरा है काफ़ी। ये अंदर मंदिर है, माता जी का मंदिर है ये। ये देखिए गुफा, यहाँ से ये सीढ़ियाँ हैं। ये बावड़ी है, यहाँ पर लोहांगी के पहाड़ी पर बावड़ी है। देखिए आप, बिल्कुल इतनी ऊंचाई पर है ये पहाड़ी, और यहाँ पर ये पानी की बावड़ी भी है। इसे पूरा जाली से कवर करके रखा है। इसमें पानी तो नहीं है, पानी नहीं है इसमें इसे, लेकिन जाली से कवर करके रखा है इसे पूरा। ये हो सकता है पहले बावड़ी हुआ करती होगी पानी, लेकिन इसे पूरा सील पैक कर दिया है।
तो कैसी लगी आप लोगों को लोहांगी पहाड़ी, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मैं ऐसे ही वीडियो लाती रहूं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जगह के साथ। जब तक के लिए सभी को राधे राधे।